हेलो एवरीवन, आज है 24 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 3i इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में। देखिए, 6 रुपए का ये छोटा सा शेयर है। 4.5% की आज हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। ऐसी गिरावट है कि लोग बेचना चाहते हैं लेकिन कोई बेच नहीं पा रहा है क्योंकि खरीदने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इतना बुरा भी शेयर नहीं है। रिस्की जरूर है लेकिन बुरा नहीं है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कि 3i इन्फोटेक के शेयर में चल क्या रहा है और खरीदारी के लिहाज से कौन सा लेवल यहाँ पर बेस्ट रहेगा। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं 3i इन्फोटेक की। 6 रुपए 30 पैसे का ये शेयर है। आज गिरावट का माहौल है यहाँ पर। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 15% की ये गिरावट है। 7 रुपए 35 पैसे से टूट कर नीचे आया, फिर तेजी आई, 7.5 रुपए तक फिर से गया, फिर से 6 रुपए 30 पैसे तक के पहुंच गया, फिर एक बड़ी तेजी आई, 7 रुपए 12 पैसे तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, आज फिर से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में तकरीबन 195% का यहाँ पर ग्रोथ है। 1 रुपए 21 पैसे के शेयर में देखिए तेजी आई, गिरावट आई, एक बड़ी तेजी आई, गिरावट आई और एक बहुत बड़ी रैली आई। और ये रैली कब आई थी, आप देखिए 3 रुपए से भी कम का शेयर 9 रुपए तक क्यों पहुंच गया। उसका रीजन यही था कि भैया 3i इन्फोटेक का जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है उसको एपेक्स ने अक्वायर करने की बात करी है 1,000 करोड़ रुपए में, और ये वाकई में बहुत बड़ी खबर थी। और इसके चलते एक बड़ी तेजी हमें इस शेयर में देखने को मिली कि भैया एपेक्स इनके सॉफ्टवेयर बिजनेस को अक्वायर करेगा। आप देखिए, आईटी सर्विसेज कंपनी 3i इन्फोटेक ऑन मंडे सेड दैट इट्स बोर्ड हैज अप्रूव द स्लम सेल ऑफ ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस टू प्राइवेट इक्विटी फर्म एपेक्स पार्टनर फॉर 1,000 करोड़। तो 1,000 करोड़ रुपए में ये अपने जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस है इनका ग्लोबली, उसको भैया बेचने वाले हैं ये लोग। क्योंकि अगर हम देखने जाए तो 3i इन्फोटेक के ऊपर कर्जा है तकरीबन 800 करोड़ के आसपास का ये कर्जा है। लेकिन एक और चीज भी यहाँ पर मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि आज से 1.5 साल पहले जो कर्जा था इनके ऊपर वो तकरीबन 2,800 करोड़ के आसपास का था। उसको इन्होंने कट डाउन करके अभी 800 करोड़ पर लेके आए हैं। और अभी अगर ये 1,000 करोड़ की डील होने से इनको फायदा ये है कि ये 0 डेट वाली कंपनी बन जाएगी और एडिशनली इनके पास 150 करोड़ जितना पैसा बचेगा जिसको ये अपने और बिजनेसेस में लगा सकते हैं। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसका फायदा भी इनको मिल सकता है आने वाले दिनों में। और यही रीजन था कि ये डील होने से कंपनी के ऊपर का जितना भी कर्जा था वो एकदम चुकता हो सकता है, और इसी के चलते तेजी भी हमें देखने को मिली है। देखिए, फॉलोइंग द ट्रांजिशन 3i इन्फोटेक विल कंटिन्यू टू परस्यू स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इनिशिएटिव इन इट्स आईटी सर्विसेज बिजनेस सपोर्टेड एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर हो जाती है ये डील तो जो इनका जो बिजनेस होगा उसको ये लोग ज्यादा फोकस कर पाएंगे और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट जो अपनी है उसको मेंटेन भी कर पाएंगे। तो ट्रांजिशन विल रिवाइटल ग्रोथ एंड एक्सलेट वैल्यू क्रिएटर फॉर द स्टेक होल्डर ऑफ 3i इन्फोटेक इंक्लूडिंग कस्टमर्स, एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स। द न्यूली फॉर्म एजनोटा सॉफ्टवेयर विल सपोर्टेड बाई एफएक्स फंड विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन R&D एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। तो देखिए, यहाँ पर होगा यह कि एपेक्स कैपिटल जो है वो एक नई कंपनी बनाने वाली है, ठीक है, एजेंटियो सॉफ्टवेयर, और 3i इन्फोटेक के जितने भी सॉफ्टवेयर बिजनेस है क्लाइंट है उसको ये यहाँ पर लेके आ जाएंगे। और 3i इन्फोटेक में अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो है वो बाद में सॉफ्टवेयर का नहीं बल्कि जो अपना बीपी और केपीओ का बिजनेस है उसको वो कंटिन्यू करने वाली थी। यहाँ पर यही एक आप देखिए, द सेल ऑफ द बिजनेस विल हेल्प 3i इन्फोटेक टू फैसिलिटाइज रीपेमेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग डेट एक्सपोजर ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऊपर जितना भी डेट है मतलब कर्जा है उसको चुकाने में ये चीज उनको काम करेगी, और ये वाकई में एक बहुत ही अच्छी चीज होगी। यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको मेंशन करना चाहूँ तो जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी ने ऑलरेडी अपना बहुत सारा कर्जा चुका दिया है। 2,800 करोड़ के कर्जे को ये 800 से 900 करोड़ तक लेकर आ चुके हैं, और अभी भी जो ये 800 से 900 करोड़ का कर्जा है उसको चुकाने के लिए कंपनी अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस बेच रही है और 1,000 करोड़ रुपए वहां से आएंगे। और कंपनी अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है जैसे कि बीपीओ का बिजनेस है उसको कंटिन्यू करेगी।
देखिए, और ग्लोबल बीपीओ मार्केट 2025 इंडिया में अगर हम बात करें तो बीपीओ इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और उसमें एसेंचर से लेकर कैपजिमी और इस लेकर जेनपैक से लेकर आईबीएम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और 3i इन्फोटेक के भी नाम है यहाँ पर। तो बड़े लोगों के साथ इनका भी नाम जुड़ा है, और अगेन एक बीपीओ में इनका भी काफी बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 10 साल में 3i इन्फोटेक लिमिटेड का ये जो शेयर है उसमें कुछ इस तरीके से चेंज आया है कि 84% की गिरावट है, ये 50 रुपए से टूट कर नीचे आया है। इससे पहले भी तेजी की कोशिश हुई लेकिन हर बार शेयर टूट कर बिखर ही जाता था। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप हुआ करती थी ये कंपनी, लेकिन जैसे ही खबर आई शेयर में बढ़िया से उछाल आया और अभी स्मॉल कैप कंपनी बन चुकी है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी बन चुकी है, 1125 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 1,36,00,000 से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड अभी के हाल में देखने को मिल रहा है, और ये कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी नुकसान में नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 22 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है, जो वाकई में बेहतर है, अच्छा है। पिछले क्वार्टर में तकरीबन 15 करोड़ का इनको ये प्रॉफिट हुआ था, सितंबर 2020 में, दिसंबर 2019 में 27 करोड़ का ये प्रॉफिट था। तो देखिए कंपनी नुकसान में नहीं है, हर क्वार्टर में इनको प्रॉफिट हो रहे हैं, और नेट सेल भी देखेंगे तो 250 करोड़ से ज्यादा के नेट सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छे साइन है, अच्छे संकेत है, और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है ये भी इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए पहले 11 का प्रॉफिट मार्जिन था, बाद में 12 हुआ, और अभी 14 के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखिए तो एफआई से खरीदारी करी है, 0.07% की होल्डिंग 0.18% हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है 0.87% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग सबसे ज्यादा है यहाँ पर, 42.91% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की भी अगर हम बात करें तो श्री मल्टीपल एसेट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, 16% से भी ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पर ये ओन करते हैं। डिविडेंड 2011 में आखिरी बार पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड इस कंपनी ने पे नहीं किया है। 3i इन्फोटेक टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत अभी भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए दिसंबर महीने में ये खबर आई थी 1000 करोड़ के अपने बिजनेस को बेचने को लेकर, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो अभी कोई बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर नहीं आई है, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा। और लेकिन जैसे ही कोई खबर आएगी, कोई अपडेट आएगी, वापस से आपको इसी तरीके की तेजी देखने को मिल जाएगी जैसे आपको पहले देखने को मिली थी, बढ़िया तेजी, इसी तरीके की तेजी आपको दोबारा से भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब तक कोई खबर नहीं आती थोड़ा सा ठंडे और सुस्त ये शेयर रहने वाला है। और आप देखिए यहाँ पर कोई आपको बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, 97% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 97% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डालें तो देखिए रेवेन्यू जो है वो इनके इंटैक्ट है, 250 करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यू इंटैक्ट है, वो भी हर क्वार्टर में, पिछले 5 क्वार्टर अगर हम देखें तो। और प्रॉफिट भी आप देखिए अच्छे प्रॉफिट्स हैं, 27 करोड़, 24 करोड़, कोरोना काल में 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इनको, बाद में फिर से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, सितंबर में 15 करोड़ का हुआ है, और अभी फिर से 21 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 3i इन्फोटेक मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी बन सकती है, लेकिन ये डील हो जाए तो इसके लिए पहले सबसे पहले इस डील का होना जरूरी है, और डील डेफिनेटली आज नहीं तो कल होके रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी की है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हो, और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो जरूर कर सकते हो। 6 रुपए के नीचे अगर ये शेयर आपको मिलता है, 6 रुपए के नीचे मिलता है, तो आप टुकड़ों में खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हो। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ, शुरुआत कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही लेवल पर अगर 6 रुपए के नीचे मिला तो लाख शेयर खरीद लिया और बैठ गए, और बाद में वो और नीचे चलता गया तो फिर वो पैनिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले आप 200 शेयर की क्वांटिटी 6 रुपए के नीचे खरीद सकते हो, फिर आप वेट करो, अगर वहां से 50 पैसे और नीचे गिरता है तो और 200 शेयर की क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, वहां से थोड़ी और गिरावट आई आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो। और अगेन मैं कह दूं ये खरीद के भूलने वाला शेयर है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा निवेश करने की भी सलाह नहीं है कि आप 3 लाख 4 लाख शेयर खरीद ले, ये वो शेयर है जिसको आप खरीद के भूल जाओ और टुकड़ों में धीरे धीरे खरीदारी करते रहो, क्योंकि इसका पूरा जो डिपेंडेंसी है वो इस डील के ऊपर डिपेंडेंट है कि कब ये डील होगी। क्योंकि कंपनी जो है वो पैसा तो कमा रही है, ठीक है, कंपनी पैसा तो कमा रही है, आप खुद देखिए अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं इनके, बेहतर रिजल्ट्स हैं,
लेकिन फिर भी शेयर प्राइस इतना कम क्यों है? क्योंकि भैया कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, बहुत ज्यादा कर्जा। अगर कंपनी 100 रुपए कमाती भी है तो इनको 105 रुपए कर्जे के तौर पर चुकाने होते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी का यही है कि कर्जा है, लेकिन फिर भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव अगर एस्पेक्ट की मैं बात करूं तो बहुत हद तक कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है। तकरीबन 60% का कर्जा कंपनी ने कम कर दिया है। आप देखिए 2,800 करोड़ का जो कर्जा था पहले, अब वो 800 से 900 करोड़ का रह चुका है। तो कंपनी ने बहुत हद तक अपना कर्जा कम किया है, और बाकी का कर्जा कम करने के लिए ये जो डील है उनकी एपेक्स के साथ, अगर वो हो जाती है तो कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, और बाकी का पैसा उनके पास और भी पैसा बचेगा, उसको वो इस्तेमाल करेगी अपने बाकी बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए। तो अगेन बने रहिए, खरीदारी की है, फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो जैसे कि मैंने कहा टुकड़ों में चाहो तो कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और 3i इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।